अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों क्या हाल चाल है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना मोबाइल के चार्जर बार बार लेकर थक जाते हैं, लेकिन जो मोबाइल जो है ना चार्जर वो ज़्यादा तेज़ नहीं होते, कम एम्पेयर के होते हैं, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी बैटरी जो है ना वो चार्जिंग नहीं करते। तो दोस्तों आज मैं आपको एक सिस्टम बनाकर दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और आप जब लगाएंगे तो चंद मिनटों में बैटरी फुल कर देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बनाने का तरीका यह है कि आपने जो है ना सबसे पहले इस तरह के जो चार्जर है ना आपने दो ले लेने हैं, जिसकी जो लीड वगैरह टूट जाती है ना आपने उसके अंदर से ना इस तरह की उसकी जो किट है ना वो निकाल लेनी है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा चार्जर है, इसकी भी लीड ख़राब थी, इसको भी मैंने निकाल दिया। दो कुत्ते आपने ओके ले लेनी है, ठीक है ना। चाहे नॉर्मल आम जो सादा मोबाइल के हैं, बिल्कुल कम जो एम्पेयर के हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको हम तैयार करेंगे अच्छे जो बेहतरीन जो ना जो जल्दी जो चार्जिंग करेंगे ना उसके लिए हम इसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले जो जो किटें हैं ना इन दोनों को आपने जो है ना इन दोनों किटों को आपने मेन 220 वोल्ट देना है, ठीक है ना। आपने एक तार ले लेनी है, उस तार के जरिए आपने जो है ना इसको मेन 220 वोल्ट दोनों को देना है। तो दोस्तों अभी मैं ना सबसे पहले एक तार के जरिए दोनों को आपस में कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो एक चार्जर है ना इसको इसके साथ लीड लगा देते हैं, अब ये जो दूसरी तारें हैं ना इस इनके ज़रिए हम दूसरे चार्जर को 220 वोल्ट दे देंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि एक तार के ज़रिए हमने दोनों को 220 वोल्ट मेन दे दिया, ठीक है। अब आपने एक और तार लेनी है और उसके ज़रिए आपने जो दोस्तों ये जो इसके दोनों चार्जरों की जो आउटपुट पर वोल्टेज आ रही है ना होती है ना वो है 5 वोल्ट, ठीक है, दोनों चार्जरों की। तो आपने क्या करना है, ये इसकी जो पॉजिटिव है ना उसको पॉजिटिव के साथ आपस में कनेक्शन कर देना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों इसका जो नेगेटिव है ना वो ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव का एक चार्जर का दूसरे पॉजिटिव के साथ लगा देना है। बड़ा ही आसान तरीका है, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ लग जाएगी। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने एक और तार लेनी है, उसके जरिए आपने जो चार्जर है ना इनके आउटपुट पर जो 5 वोल्ट की नेगेटिव है ना उनको आपस में इकट्ठा कर देना है। उसके बाद ये इसकी जो इस चार्जर की आउटपुट पर जो 5 वोल्ट आते हैं ना उसकी ये नेगेटिव इकट्ठी हो गई, ठीक है। यानी इसकी आउटपुट पर 5 वोल्ट आ रहे हैं ना और इसकी जो आउटपुट पर 5 वोल्ट आ रहे हैं, दोनों के नेगेटिव को एक तार के साथ इकट्ठा कर देना और पॉजिटिव को दूसरी तार के साथ इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो इस तरह जो है ना दोनों जो है ना चार्जर इनके जो जो वोल्टेज है ना वो आपस में जो है ना मिक्स हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये होगा कि इसके नेगेटिव की नेगेटिव के साथ कनेक्शन करने की वजह से और पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करने की वजह से इनकी जो वोल्टेज है ना वही 5 रहेगी, लेकिन इसके जो एम्पीयर है ना वो डबल हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह की जो जिस जो क्यू वाली लुपी है, जो भी आपने मोबाइल को लगानी है ना वो लुपी आप यहाँ से काट कर जो है ना किसी एक चार्जर पर जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ से लगा देनी है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन जो है ना मैं अभी इसके साथ कर देता हूँ इसके साथ, और इसकी जो रेड तार है ना इसको पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं और जो नेगेटिव तार है ना काली वो इसके इसके साथ लगा देते हैं नेगेटिव पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो है ना ये इनका कनेक्शन जो है ना वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको मेन 220 वोल्ट देंगे, तो इस तरह ये जो तारें हमने पहले लगाई थी इसके ज़रिए इनको जो है ना दोनों को 220 वोल्ट मिलेगा, और अब जो ये जो लीड है ना ये तारें हैं ना इनके ज़रिए दोनों को एक ही जो पॉइंट पर ना पॉजिटिव मिलेगा इसको करंट, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है ना इनके आउटपुट पर दोनों पर वोल्ट वही 5 वोल्ट ही रहेंगे, लेकिन एम्पेयर जो है ना इस तरह डबल हो जाएंगे। तो अभी हम चेक करते हैं तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह अभी आपके सामने जो इस मोबाइल को ना चार्जिंग करके चेक करते हैं, ये देखो मोबाइल चार्जिंग हो रहा है। अब टच मोबाइल चेक करना है, कोई भी मोबाइल आप चार्जिंग लगाएंगे तो चंद मिनटों में ये बैटरी को फुल कर देगा, ठीक है। ये दोस्तों बेहतरीन तरीका है मोबाइल चार्जिंग करने का, बड़े से बड़ा मोबाइल भी चार्जिंग करे चंद मिनटों में जो ये चार्जिंग कर देगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने जो है ना चार्जर खुद घर में तैयार कर लेना है, और इसको किसी इस तरह की किसी डब्बी में जो है ना आपने इसको फिट कर लेना है, और ऊपर से इसको आपने कर लेना बंद। तो इस तरीके से जो है ना आप बड़े ही मज़े के साथ चंद मिनटों में अपना मोबाइल जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका एक अपना ज़ाती मोबाइल चार्जर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।